टोरंट के आगरा आने के बाद से कई राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं विरोध करती आ रही हैं। टोरंट पावर का रवैया आगरा वासियों को शुरुआत से ही हजम नहीं हो रहा है। यही वजह रहती है कि टोरंट पावर को लेकर आगरावासी काफी खफा नजर आते हैं। दरअसल पूरा मामला मंटोला क्षेत्र के ढोरीखाल इलाके का है। यहाँ बीते 3 से 4 दिन तक कई लोग अंधेरे में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। कई बार टोरंट पावर के अधिकारियों के समक्ष अपनी परेशानी इन लोगों ने रखी, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला। हालांकि क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन पर बिजली का बिल बकाया भी नहीं है, बावजूद इसके उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनके बच्चे स्कूल की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। पानी की बूंद बूंद को स्थानीय लोग तरस गए हैं। छोटे छोटे घरों में बच्चे मौजूद हैं, गर्मी का माहौल है, जिसके कारण महिलाओं एवं बच्चों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार टोरंट पावर का प्रशासन है। क्षेत्रवासी मानते हैं कि अपनी समस्या का समाधान न होने पर क्षेत्रवासियों ने आगरा डीएम से गुहार लगाई है। आगरा डीएम से मुलाकात कर क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्या डीएम साहब को सुनाई, जिसके बाद डीएम साहब के द्वारा दिए गए आश्वासन को सुनकर क्षेत्रवासी अपने अपने घरों को लौट आए हैं। अब डीएम साहब से क्षेत्रवासियों की आस है कि वह उनकी समस्या का समाधान करेंगे और वह रोजमर्रा की तरह रोशनी में जिंदगी बसर कर सकेंगे। दरअसल हैरान करने वाली बात यह है कि क्षेत्र के सभी घरों की बिजली चालू है, लेकिन लगभग 1 दर्जन से ज्यादा घरों की बिजली काट दी गई है। 1 दर्जन घरों के जिम्मेदारों का कहना है कि उनके ऊपर बिजली का बिल बकाया भी नहीं है, बावजूद इसके टोरंट पावर द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। मेरा नाम फरहान कुरैशी है। आज यहाँ जिला मुख्यालय आप आए हैं, किस चीज़ का ज्ञापन सौंपा है? जो लाइट के कारण आए हुए हैं यहाँ पे, कि हमारी 3 दिन से लाइट नहीं है। कहाँ का मामला है ये? ढोलीखाल रमजानी वाली मस्जिद का मामला है। क्या वजह है, क्या लग रहा है, क्यों लाइट नहीं आ रही? लाइट की समस्या ही नहीं है समझ में आ रही है। टोरंट अधिकारियों को फोन कर रहे हैं तो वो यूँ कर रहे हैं, आ रहे हैं 1 घंटे में 2 घंटे में, 3 दिन से यही दिलासा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे वगैरह सब स्कूल जाने से परेशान है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं जी। और सब पानी आने के लिए सब परेशान है, लेकिन कोई समस्या का संविधान समाधान नहीं निकल रहा है। इसलिए हम डीएम साहब के पास ही लेकर आए हैं अपनी एप्लीकेशन, इसका कार्य किया जाए। डीएम साहब ने क्या है कि शाम तक आपकी कार्रवाई करते हैं, लाइट चालू हो जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद दिनेश कुरैशी, ऑल इंडिया समाज सेवक आगरा। आज यहाँ जिला मुख्यालय किस चीज को ज्ञापन? हमारी लाइट खराब है 3 दिन से, पूरी बस्ती परेशान हो रही है। मोहल्ला डोलीखाल कोलियाना बस्ती रमजानी मस्जिद। कितने दिन हो चुके हैं? 3 दिन हो गए। अधिकारियों में जा रहे हैं, टाल पेट्रोल हो रही है, कोई सुनने वाला पैदा नहीं है। हमारे बिल पूरे पेट है। बिजली कौन सी? टोरंट है। टोरंट की है। क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं हमारी लाइट तुरंत सही करी जाए। अजीत का कैमरा। अब आप क्या चाहते हैं? हमारी लाइट तुरंत सही करी जाए। तो बस्ती के अंदर बच्चे कुछ और कुछ मतलब ये लेडीज कुछ बीमार भी है, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं। गर्मी का टाइम है, बहुत बुरी हालत हो रही है घर के अंदर। अब कुछ शरारती तबके डिब्बे को तोड़ गए, खराब कर गए, ये लोग खराब कह रहे हैं कि हमें सबूत, हम कहाँ सबूत हैं? रेलवे लाइन में जो होता है गुंडागर्दी होती है, कौन गुंडा तोड़ के, हमें क्या मालूम। ठीक। मैं नदीम नूर, सरपंच उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत। आगरा में जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी टोरंट पावर लगातार लोगों का उत्पीड़न किए जा रही है, वहीं अभी 2-3 दिन पूर्व आगरा मंटोला क्षेत्र के अंदर टोरंट पावर ने आकर जिन लोगों के बिल जमा थे उन लोगों का भी मीटर से कनेक्शन काट दिया गया। आज वो लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। इस चिलचिलाती धूप और गर्मी के अंदर बच्चे बीमार हो रहे हैं क्योंकि लाइट काट दी गई है, जबकि उन लोगों का बिल जमा था। तो मैं टोरंट पावर को चेतावनी देते हुए बताना चाहता हूं, टोरंट पावर अपना ये तानाशाही पूर्वक रवैया करना बंद कर दे, अन्यथा ऐसा होगा टोरंट पावर के हम लोग आगरा को एकजुट कर टोरंट पावर का अंदर तालाबंदी करने का कार्य कर और टोरंट को काम नहीं करने देंगे। टोरंट पावर जिस तरीके से गरीब और मलिन बस्ती में दलित और मुसलमानों को सत्ता के संरक्षण में सताने का कार्य कर रही है, उसको आगरा की जनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं पुनः चेतावनी देता हूं टोरंट पावर को, टोरंट पावर अपनी तानाशाही पूर्वक रवैया बंद कर दे, अन्यथा हम लोग। मेरा नाम मोहम्मद अमन कुरैशी है, निवासी डोलीखार कोरिया बस्ती। क्या समस्या है आपकी? सर समस्या यह है कि 3 दिन से टोरंट की इतनी लापरवाही क्षेत्र में देखने में आ रही है कि पूरे 12 घर के यहाँ पर कनेक्शन बिल्कुल टाइट नहीं आ रही है। आज तकरीबन 48 घंटे होने पर आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। सारे अधिकारियों को हमने कॉल कर चुका है और टोरंट ऑफिसों में कॉल कर चुका है, इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं है। सारे अधिकारी दिलासा देते हैं,
कि आपकी सुनवाई हो जाएगी। अभी एक घंटे में दो घंटे में कोई सुनवाई नहीं है। हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एक दो दो महीने के बच्चे हैं औरतों के पास, और हमारी आंटी का ऑपरेशन हुआ है, वो मरीज इस क्षेत्र में 48 घंटे में कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी की समस्या है, पानी नहीं भरा गया है बिल्कुल, और बच्चे अंधेरे में पड़ रहा है सर, बहुत लापरवाही देखने पर आ रही है, बीमार है। और डीएम साहब के पास हमने अपील लेने का प्रयास भी किया है कि डीएम साहब से रब्ता करके अपील ले जाएगी। इस समस्या पर हमारा संज्ञान गया, आपसे हमारे निवेदन है कि हमारी आवाज़ को आप उठाइए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।